नमस्कार दोस्तों, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान राशिफल में। आज हम बात करने जा रहे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों का 22 जनवरी दिन शनिवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कन्या राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज स्टूडियो में आपको बताएंगे कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज स्टूडियो में आकर संपूर्ण राशि बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कन्या राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आज शनिवार है, शनिदेव का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय शनिदेव महाराज लिखें, शनिदेव आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 22 जनवरी 2022 दिन शनिवार, आज की तृतीय चतुर्थी, आज का नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 7:13 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 5:51 पर। दोस्तों, आज का शुभ समय है दोपहर 12:11 से दोपहर 12:54 तक रहेगा। अगर दोस्तों आज आपको शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आप इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही आपको बताएं आज का अशुभ समय है सुबह 7:13 से सुबह 8:38 तक रहेगा। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर 6 और शुभ रंग है स्लेटी, सिल्वर और नारंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं कि जीवन जीने के लिए सरल तरीकों को अपनाएं, फिर देखा चमत्कार। आइए जानते हैं। आचार्य चाणक्य की गिनती भारत के श्रेष्ठ विद्वानों में की जाती है। चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में जीवन जीने की कला के बारे में बताया है। चाणक्य की माने तो जीवन को सरल तरीके से जीना चाहिए, इसे जीवन का आनंद बना रहता है। वर्तमान समय में मनुष्य कई परेशानियों में उलझा रहता है। तनाव, भ्रम और समस्या में उलझकर व्यक्ति जीवन का आनंद नहीं ले पाता है। व्यक्ति क्रोध और लोभ के चलते जीवन को कठिन और जटिल बना लेता है, जिस कारण वह जीवन का सही मकसद नहीं समझ पाता है। चाणक्य की चाणक्य नीति व्यक्ति को जीवन के महत्व के बारे में बताती है। चाणक्य ने कुछ बातें बताई है, इन बातों को आप भी जान लें। नंबर 1, सत्य को अपनाएं, असत्य का त्याग करें। चाणक्य के अनुसार जब व्यक्ति सत्य से दूर हो जाता है तो उसकी मुश्किलें बढ़ने लगती हैं, लेकिन वह इन परिस्थितियों को समझ नहीं पाता है। जब तक वह समझ पाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, इसलिए व्यक्ति को भ्रम की स्थिति से दूर रहना चाहिए। भ्रम के कारण व्यक्ति सत्य और असत्य का भेद नहीं कर पाता है और बाद में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इसलिए हर परिस्थिति में सत्य को ही अपनाना चाहिए। नंबर 2, क्रोध और लोभ से दूर रहें। चाणक्य के अनुसार लोभ और क्रोध से जीवन का आनंद नष्ट हो जाता है। लोभ के कारण व्यक्ति अपने सुख चैन को गवा देता है। लोभ सभी प्रकार के दुखों का मूल है, लोभ से दूर रहना चाहिए। लोभ व्यक्ति को स्वार्थी बनाता है, स्वार्थी व्यक्ति किसी का प्रिय नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति संवेदनाओं से रहित होता है। लोभ के कारण वह जीवन को इतना जटिल बना लेता है कि वह सच्चे सुख से दूर हो जाता है। वहीं क्रोध व्यक्ति का नाश करता है, क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है, इससे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद का तो नाश करता ही है, साथ में दूसरों का भी जीवन को कष्ट में डाल देता है, इसलिए इन दोनों बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, आपको चाणक्य नीति ज्ञान से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, शारीरिक लाभ के लिए विशेषकर मानसिक तौर पर मजबूती हासिल करने के लिए ध्यान और योग का आप आश्रय लें। निवेश करना कई बार आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आज आपको यह बात समझ में आ सकती है क्योंकि किसी पुराने निवेश से आज आपको मुनाफा हो सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा जो आपको तनाव दे सकता है। अपने साथी के साथ बाहर जाते वक्त ठीक तरह से व्यवहार करें, आज फायदा हो सकता है। वह शर्तें, आप अपनी बात भली भांति रखें और काम में लगन व उत्साह दिखाएं। आपके घर वाले आज आपसे कई परेशानियां शेयर करेंगे, लेकिन आप अपनी धुन में मस्त रहेंगे और खाली समय में कुछ ऐसा करेंगे जो करना आपको पसंद है। उबाऊ होती शादीशुदा जिंदगी के लिए कुछ रोमांच ढूंढने की आपको जरूरत है। साथ ही साथ आपको बताएं, आज का दिन आपको उत्कृष्ट परिणाम प्रदान करेगा। अगर आप नौकरी की तलाश में हो तो आपको अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यदि आप अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हैं
या रचनात्मक नौकरी से जुड़े हैं तो आपको आगे बढ़ने और अच्छे अवसर मिलेंगे। नौकरी पेशा जातकों के लिए पदोन्नति संभव है, भाग्य आपके पक्ष में, इसलिए अपने अवसरों का अधिकतम लाभ उठाएं। काम से संबंधित यात्रा अचानक उत्पन्न हो सकती है जो नए दरवाजे खुलने में आपके लिए मददगार साबित होगी। साथ ही साथ आपको बताएं, आज आंख बंद करके भरोसा करना हानिकारक आपके लिए हो सकता है। प्राथमिकताओं, इच्छा और लक्ष्यों की एक निर्धारित सूची बनाएं और उन पर टिके रहें। यह आपके लिए सफलता और धन लाएगा। समान विचारधारा के लोगों से मेल मुलाकात होने से नए तथ्यों की जानकारी आपको अवश्य मिलेगी। प्रेम जीवन जीने वाले लोगों को अच्छे नतीजे और परिवार में एकजुट देखने को मिल सकती है। कुछ लोगों अपने हनीमून की यादें ताजा कर सकते हैं। आर्थिक रूप से यात्रा करना कोई प्राथमिकता नहीं है, हालांकि आप एक मजेदार यात्रा की योजना बनाना शुरू कर सकते हैं। अपने सबसे अच्छे दोस्तों को कॉल करें और देखें कि वे क्या सोचते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखने के लिए संतुष्टि आहार और दिनचर्या को आप आराम से रहें। साथ ही साथ आपको बताएं, आपको सलाह दी जाती है कि किसी अजनबी को अपने घर में ना घुसने दें, वरना आपको हानि हो सकती है। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएं, पैसों को लेन देन में जोखिम ना लें। आर्थिक स्थिति को लेकर जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से भी बचें। लगभग आप पैसे से जोड़ तोड़ में लगे रहेंगे। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। लोगों की मदद करने में आप जरा भी संकोच ना करें। मांगलिक कार्यक्रम में जाने के योग बनेंगे। जीवन साथी के साथ मामूली कहना सुनी हो सकती है, लेकिन आखिरी दिन तक सब ठीक हो जाएगा। प्रेम संबंधों के लिए समय ठीक रहेगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए समय सामान्य रहेगा। अधिकारियों से आपको बहस करने से बचनी चाहिए। खर्चे बढ़ सकते हैं और आप आय से ज्यादा खर्च करेंगे, इसलिए बेफिजूलों के खर्चों से आपको बचना चाहिए। इस बीच आपकी सकारात्मक सोच आपकी बहुत मदद करेगी और आप अपने सभी कार्यों को पूरा करने में सक्षम होंगे। साथ ही साथ आपको बताएं, जो अव्यवाहित योग पात्रों के विवाह संबंधी चर्चा उनके घर परिवार में शुरू की जा सकती है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत मनमुटाव संभव है, लेकिन आपको अपने प्रिय से उपहार प्राप्त होने की भी संभावना है। घर से दूर रहने वाले रिश्तेदारों से आपका मिलन हो सकता है। आय में वृद्धि होगी। कार्यालय में आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे खुश होंगे। व्यापार बढ़ेगा और कोई नई जिम्मेदारी लेने से आप इनकार ना करें, वरना आपके बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। काम की परिस्थितियों आपके पक्ष में रहेंगी। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। नई परियोजनाओं में पूंजी निवेश किया जा सकता है। साथ ही साथ आपको बताएं, गृह गोचर अनुकूल बना रहेगा। अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने का उत्तम समय है। घर के वरिष्ठ सदस्यों के सानिध्य में आपको उचित मार्गदर्शन देखने को मिलेगा। युवा वर्ग भी कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि भी हासिल करने में राहत महसूस करेंगे, परंतु अपनी भावना और उदारता जैसे स्वभाव पर आपको काबू रखना चाहिए। कुछ लोग आपकी इन बातों का भी फायदा उठा सकते हैं। आपकी कोई खास अथवा मूल्यवान वस्तु न मिलने से आप टेंशन में रहेंगे। साथ ही आपको बताएं, पति पत्नी के रिश्ते मधुर रहेंगे, परंतु घर में स्त्रियों के बीच कुछ टकराव होने की आकांक्षा है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके कैरियर की। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी डीलिंग और वाहन संबंधी व्यवसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा, परंतु तुरंत ही मौके का फायदा उठाएं, लापरवाही बिल्कुल ना करें। नौकरी में टारगेट को पूरा करने का दबाव बना रहने से आपको तनाव रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। तो दोस्तों, आज पारिवारिक वातावरण आज खुशनुमा रहेगा। साथ ही बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके घर परिवार पर बना रहेगा और पति पत्नी के बीच किसी पारिवारिक मुद्दे को लेकर थोड़ा मन मोटा व कानासुनी हो सकती है। और आप ध्यान दें तो जरा सी समझदारी से वातावरण पुनः ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ आपको बताएं, साथ ही आपको बता दें, घर परिवार व व्यवसाय संबंधी सभी कार्य में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और आपसी भावनात्मक संबंध भी मजबूत होंगे। परिवार के साथ मनोरंजन व डिनर के लिए जाना यादगार पलों में शामिल होगा। पति पत्नी के संबंधों में नजदीकी आएगी। बस आज आप उनसे जो भी कहें शांति व प्यार से कहें आपके लिए सही रहेगा। साथ ही आपको बता दें, किसी प्रिय से आज मुलाकात पुरानी यादों को फिर से ताजा करेगी। दोस्तों, आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है। इस दिन का आपको लाभ उठाना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो दोस्तों, आज आप तरोताजा और तंदुरुस्त होने की खुशी महसूस करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है। तनाव से छुटकारा पाने के लिए आपको अपनी कसरत प्रणाली में स्वास्थ्य संबंधी व्यायाम शामिल करना चाहिए। संतुलित आहार का सेवन अति आवश्यक है। मसालेदार और तेल युक्त भोजन से आपको परहेज करना चाहिए। साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए आपको अपने खान पान का ध्यान दें और रोजाना योग व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके।